एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम अगेन इन फ्रेम क्लासेस। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप दोबारा देखिए, क्योंकि चार से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके वो 100% क्लियर हो जाएंगे, और जिन्होंने देख लिए उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे। तो आज हम लोग चार से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है आज? कूलम्स लॉ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने प्रीवियस चीज़ में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और कब चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। पर क्या हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और कितने फोर्स से वो रिपल करेंगे? नहीं ना। कूलम्स जैसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। दैट मीन्स वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स से वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये हमें कूलम्स ने बताया था। पहले एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, ये हमारे पास डायग्राम है। एज्यूम करो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है। वहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है Q2। इसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है, इसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ा डिफरेंट चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्शन फोर्स होगा? एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आप भी देखिए। एज्यूम करो कि मेरे पास ना यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। एज्यूम कर लो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर मेरे पास चार्ज रखा हुआ है Q2। एज्यूम करो ये भी पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को फिक्स्ड कर देंगे और दूसरे को हम मूव करके देखते हैं। एज्यूम कर लो ये Q1 चार्ज है, ये मेरे हाथ में है और ये मूव नहीं कर सकता, ये फ्री है। तो अब आप बताओ Q2 के ऊपर क्या लग रहा है? रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से ये Q1 के पास आएगा या Q1 से दूर जाएगा? क्योंकि रिपल्शन हो रहा है इसलिए क्या करेगा, Q1 से दूर जाएगा। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो ये फोर्स होगा, क्लियर है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं Q2 को स्टेशनरी कर दूँगी। तो अब Q2 को हम लोगों ने स्टेशनरी कर दी, अपने हैंड में होल्ड कर लिया। अब हम देखते हैं कि Q1 पर फोर्स कहाँ लगेगा। तो ऑब्वियसली रिपल्शन है, तो या तो ये दूर जाएगा, इसके पास जाएगा, क्योंकि ये रिपल्शन है इसलिए ये दूर जाएगा। अगर अट्रैक्शन होता तो ये Q2 के पास चला जाता। तो अभी तो रिपल्शन है तो इसलिए अभी Q1 क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया ना फोर्स की डायरेक्शन? अगर दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या करेंगे, या तो अट्रैक्शन लगाएंगे या रिपल्शन लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन हम इस तरीके से देखेंगे। एक बार और देखते हैं। अब एज्यूम करो मेरा Q1 नेगेटिव है और एज्यूम करो अभी आपका Q2 भी नेगेटिव है। अभी भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब अगर मैं Q1 को होल्ड कर देती हूँ, स्टेशनरी कर देती हूँ अपने हैंड में लेकर, तो Q2 पर क्या होगा, रिपल्शन है। तो रिपल्शन की वजह से Q2 Q1 से दूर जाएगा, तो Q2 Q1 से दूर चला गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं Q2 को स्टेशनरी कर दूं और मैं Q1 पर फोर्स चेक करूं, तो क्योंकि Q2 उस पर रिपल्शन फोर्स डालेगा तो फिर से Q1 क्या करेगा, रिपल्शन की वजह से Q2 से दूर जाएगा। तो यहाँ पर भी ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब एक बार इन दोनों का केस भी देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, वो वाला नेगेटिव है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब मैं Q1 को स्टेशनरी कर देती हूँ तो Q2 क्या करेगा, अट्रैक्शन की वजह से Q1 के पास आएगा। तो आपने फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे कर दी, अंदर की तरफ दिखा दी, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, Q1 को मूवेबल बनाते हैं, Q2 को स्टेशनरी करते हैं। तो अब फिर से अट्रैक्शन होगा, तो आपका Q1 क्या करेगा, Q2 की तरफ जाएगा, तो इधर हो गया आपका फोर्स, समझ गए ना। तो ये बहुत आसान सा तरीका है ये चेक करने का कि अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये तो मैंने डायरेक्शन बताई ना अभी आपको, मैग्नीट्यूड कहाँ बताया, मैग्नीट्यूड किसने बताया था, मैग्नीट्यूड बताया था कूलम्स ने। अब कूलम्स ने क्या क्या कहा था वो ज़रा हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कूलम्स ने कहा था कि अगर स्पेस में, ठीक है, या किसी मीडियम में दो चार्ज रखे हुए हैं, मान लो पहले पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज़ वॉट आर। कूलम्स हमेशा पॉइंट चार्ज पर लगता है, ठीक है ना। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का सेंटर ले लिया, इन दोनों का सेंटर, और इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मैंने कितना कंसिडर किया, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो कूलम्स ने कहा
कि अगर स्पेस में या मीडियम में कोई दो चार्ज रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो इन दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज के नेचर पे। तो उन्होंने कहा कि इनका जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। तो पहले पे चार्ज कितना है? Q1। दूसरे पे चार्ज कितना है? Q2। ठीक है ना। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारा फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है ना। कूलम्स ने क्या कहा? कूलम्स ने कहा जो आपका फोर्स है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैंने दोनों इक्वेशन बना दी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करके मेरे पास फोर्स क्या आएगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या? फोर्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है। अब देखते हैं उसके लिए क्या करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन की भी वैल्यू बताती हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। आप याद रखो कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज पर लगेगा और रेस्ट चार्ज पर लगेगा, इसलिए आपको स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ही मेंशन करना है इसके स्टेटमेंट में। इन वैक्यूम, अभी हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या एयर की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं है, अभी इस स्टेटमेंट की एक लाइन बाकी है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अगर मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका फोर्स का फॉर्मूला निकाला तो वो कितना निकाला? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप लोग 11th में पढ़ के आए हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर एक क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? के। तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर के क्या है? यहाँ पर के आपका प्रोपोर्शनैलिटी चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स कांस्टेंट है। अब इस के की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस में वैक्यूम या एयर होगा, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए या एयर के लिए यहाँ पर जो हमारे पास के की वैल्यू है वो कितनी है? 1/4π ε₀। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे के था उस के की वैल्यू आपके पास ये है, तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4π ε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, अभी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया इन वैक्यूम और इन एयर, एफ इक्वल्स टू 1/4π ε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो 1/4π ε₀ है वो के की वैल्यू है जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और वहाँ पर जो ε₀ है दैट इज़ परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, पर पहले हम इस के बारे में ठीक से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो हमारा के है उस के की वैल्यू है 1/4π ε₀। क्लियर है ना। अब इस के न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने k को लिखा 1/4π ε₀ और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻¹। क्लियर है ना। ये जो हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा इसकी वैल्यू है 9.0 × 10⁻¹। अब मुझे इसके यूनिट भी बतानी है, पर मैं क्यों बताऊंगी? यूनिट तो आप लोग बताओगे, आप लोगों ने तो 11th क्लास में निकालनी सीखी है। चेक करो, हम लोगों ने अभी क्या लिखा? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2
Q2 अपॉन R स्क्वायर, मुझे K की यूनिट निकालनी है, तो K की यूनिट क्या होगी, ऐसे तो निकालोगे F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल्स टू के, ठीक है। F फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर। Q1 क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट मैं बता चुकी हूँ कूलम। Q2 भी क्या है, उसकी भी यूनिट कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसकी यूनिट क्या निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया ना। तो जब हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक के लगाया कांस्टेंट, ठीक। उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1/4π ε0। उस होल की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.0×10⁻¹। और इस के की या 1/4π ε0 की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने फोर्स का फॉर्मूला बनाया इन वैक्यूम और इन एयर, ठीक। क्या, एफ इक्वल्स टू 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बार बार ε0 बोल रही हूँ, तो अब देखते हैं ये क्या है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों देखो, हमारे पास यहाँ पर जो ε0 है ना, ε0, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परमिबिटी, परमिबिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो ε0 है इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक बार मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि मेरे पास 1/4π ε0, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 9.0×10⁻¹। सही कह रही हूँ ना मैं, है। चलो देखते हैं अब ε0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगी, ये मेरा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4π। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है ना कितनी होती है, 3.14×9.0×10⁻¹ इक्वल्स टू ε0। अब आप लोग 12th में आ गए हो तो सॉल्व करना तो आता ही है, तो इस पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 8.85×10⁻¹। न्यूमेरिकल करते हुए आपको ε0 की भी ज़रूरत पड़ेगी और 1/4π ε0 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू आप लोग लर्न कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करके आए ε0 की वैल्यू 8.85×10⁻¹ कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2, इसकी यूनिट। अब यूनिट कैसे आई वो भी निकाल लेते हैं दोबारा से। अभी हम लोग अपना दोबारा फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ से देखते हैं कि कैसे यूनिट आएगी। देखो ज़रा, हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ε0 निकालना है ना, तो ε0 कितना हो जाएगा, 1/4π f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी तो यूनिट होगी नहीं, 1/4 फोर्स की यूनिट न्यूटन, Q1 Q2 चार्ज है कूलम स्क्वायर, आर डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गई ना इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2। क्लियर हो गया ना। तो ε0 क्या है, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 8.85×10⁻¹। एंड यूनिट कितनी है, कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1, मीटर -2। क्लियर हो गया ना। तो हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, लेकिन ये मैग्नीट्यूड आप लोगों ने कहाँ पे निकाला, आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकाला क्या, 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट ये किस में था, ये आपका था एयर में या वैक्यूम में। लेकिन अगर मैं इन दोनों चार्जेस को उठा के अगर वाटर में रख दूंगी तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को उठाकर ऑयल में रख दूंगी तो क्या होगा, अब हमें उसी पर बात करनी है। तो देखते हैं, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो देखो बच्चों, अगर मैंने आप लोगों को बोला ε0 क्या था, हम लोगों ने ε0 को बोला था कि वो आपकी परमिटिविटी थी, ठीक है। लेकिन किसकी परमिटिविटी थी, ये थी परमिटिविटी फ्री स्पेस की, ठीक है ना,
किसकी थी? फ्री स्पेस की, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एप्सिलॉन नॉट से। लेकिन अगर आप अपने चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में इंसर्ट कर देते हो, किसी दूसरे मीडियम में रख देते हो, तब वहाँ पर परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं आएगा, तब वहाँ पर क्या आएगा? परमिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है? तब वहाँ पे क्या आएगा? परमिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना? अब अगर मैं परमिविटी ऑफ मीडियम की बात करती हूँ तो मैं उसे रिप्रेजेंट करती हूँ एप्सिलॉन से, ठीक है ना? मैं भी आपको बताती हूँ कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है ना? पर आज के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट था परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है? परमिविटी ऑफ मीडियम। तो फिर अब मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 pi एप्सिलॉन, ठीक है ना? 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2/r². यहाँ तक ठीक है ना? अब ये मेरा फोर्स किसके लिए हो गया? ये मेरा फोर्स हो गया मीडियम के लिए। एज्यूम करो कि जो हमारा एयर के लिए फोर्स था वो मेरी इक्वेशन 1 है, और जो मेरा मीडियम के लिए फोर्स है वो मेरी इक्वेशन 2 है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड करती हूँ और फिर आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करती हूँ। तो इक्वेशन 2 मेरी मीडियम के लिए फोर्स बता रही है और इक्वेशन 1 मेरी एयर या वैक्यूम के लिए फोर्स बता रही है। वैक्यूम यूज़ करते हैं। तो मीडियम के लिए फॉर्मूला लिखा मैंने 1/4 pi एप्सिलॉन q1 q2/r² और ये हो गया 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², ठीक है? ये सब कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अब देखना आप लोगों को क्या आएगा। जो मेरे पास f मीडियम आएगा अपॉन जो मेरे पास f वैक्यूम आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हमारे इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। पहले आप दोनों को, आपको क्लियर हुआ ना? हम लोगों ने क्या किया, वैक्यूम का फोर्स लिया, मीडियम का फोर्स लिया और उन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पे मुझे पता चला एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम बराबर है किसके? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन के। अब ये क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम के नाम देंगे। अभी हम उसे यूज़ करेंगे, अभी निकालते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, पहले ना हम लोग एक छोटी सी बात पर डिस्कशन करते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ा है ना, ठीक है? आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है ना? आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ी है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है? आप लोगों ने बिल्कुल रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है। आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी में ये पढ़ा था कि जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। क्लियर है ना ये वाली बात? आप लोगों ने पढ़ा था कि जब आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, अब वाटर की डेंसिटी से ही कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने वाटर की डेंसिटी को स्टैंडर्ड माना हुआ है। आप लोगों ने हर चीज़ को स्टैंडर्ड माना है ना? जैसे आप लोगों ने टाइम को, टाइम की 1 सेकेंड यूनिट को स्टैंडर्ड मान लिया। आप लोगों ने एज्यूम किया इस टाइम को हम 1 सेकेंड कहेंगे। आप लोगों ने एज्यूम किया इतनी लेंथ को हम लोग 1 मीटर एज्यूम करेंगे। ऐसे हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड टर्म माना हुआ है। तो जब भी हम किसी चीज़ की, सब्सटेंस की डेंसिटी की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो आपके रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? इसी तरीके से ना, सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिलेटिव परमिविटी की, ठीक है? सेम इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलेटिव परमिविटी की। मैंने आप लोगों को कहा कि जो मेरा एप्सिलॉन है दैट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? सिमिलरली हम लोगों ने एप्सिलॉन को कहा परमिविटी ऑफ मीडियम, या इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये आपको पता है ना किसी मीडियम की है। अब किसी मीडियम की परमिटिविटी को अगर मैं वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करती हूँ तो मुझे जो टर्म मिलेगी उसे मैं क्या बोलूँगी, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे अभी हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी में पढ़ा, जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर कराते हैं दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। सिमिलरली जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसे मैं एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करूंगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से अच्छा, जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसे हम एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज के, और इस के को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, इसके बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे, पर अभी मेरा जो टॉपिक है आप लोगों को पढ़ाने का दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, वो रेशियो है, किसका रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाई के। तो मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालती हूँ, देखो के इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब अगर मैं कहूँ आप लोग मुझे किसी मीडियम का फोर्स दो, तो आप लोग मीडियम का अगर फोर्स लिखोगे, एफ मीडियम लिखोगे, तो आप ऐसे तो लिखोगे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन, क्योंकि मैं मीडियम की बात कर रही हूँ, Q1 Q2 upon r square। और अभी मैंने आपको एप्सिलॉन निकाल के दिया, एप्सिलॉन कितना है, K एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की जगह कितना पुट कर दूँगी, K एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे किसी मीडियम का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon k r square। यहाँ पर k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने इस रिलेशन से निकाला कि मेरे एप्सिलॉन की वैल्यू है k एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप लोग देखना, अभी मैंने इससे पहले दो इक्वेशंस ली थी, एक मीडियम की ली थी और एक एयर की ली थी, और मैंने उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था। तो जब मैंने उन दोनों को डिवाइड किया था तो फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम, ये इन दोनों का रेशियो की हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, इन दोनों के रेशियो की हमारी वैल्यू आ रही थी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने डिवाइड किया तो यही आ रहा था ना, ठीक है, नहीं ये आ रहा था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब आप लोग देखो, मैंने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कितना बोला है, इन दोनों के रेशियो को मैंने के बोला, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन के रेशियो को क्या मैं 1/k बोलूँगी। तब आप लोग देखो कि जो मेरा एफ मीडियम है अपॉन एफ वैक्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1/k। अब मेरा जो एफ वैक्यूम है वो इधर चला जाएगा। तब आप लोग देखो, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम के फोर्स के k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि पहले मेरा दो चार्जेस एयर में रखे हुए थे, उसके बाद मैंने उन चार्जेस को किसी मीडियम में पुट कर दिया, तो अब मेरे फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब एयर में रखा हुआ था तब एज्यूम कर लो उसका फोर्स एफ था, तो मीडियम में रखने के बाद जो मेरा न्यू फोर्स होगा वो मेरे वैक्यूम के फोर्स से के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद कीजिए कि अगर हम अपने चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं तो मीडियम में रखने के बाद हमारा जो फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट, और आपको ये पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार मेरी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए, और एक बार दोबारा से मेरे सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, तो आपको फिर एक बार और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। हमारा जो मीडियम के अंदर फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स से के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है।
अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो वाटर होता है, जो हमारा के होता है, के वो मीडियम पे डिपेंड करता है। के की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपका जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर के लिए जो हमारे के की वैल्यू होती है, वो के की वैल्यू कितनी होती है, 80। तो आप लोग देखो, अगर मैं मीडियम में फ़ोर्स निकाल रही हूँ और मान लो वो मीडियम मेरा वाटर है, तो आपके पास फोर्स कितना होगा, 1/4πε0Q1Q2/r² × 80। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा वाटर के अंदर जो फोर्स है वो एयर या वैक्यूम के फोर्स से 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ देखते हैं। वाटर के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी थी, 80। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू एक्यूरेट 1 वैक्यूम के लिए, ठीक है। एयर के लिए और वैक्यूम के लिए वैल्यू बिल्कुल नियरली इक्वल है, इसकी वैल्यू 1.0054, इसलिए हम इन दोनों को इक्वली कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और मेटल के लिए के की वैल्यू जो है दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कुछ के की वैल्यूज़ हैं जो मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये आप लोग लर्न कर लेना, इनकी आपको लोगों को जरूरत पड़ेगी। चलिए चलो, तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि रिलेटिव परमिबिटी एप्सिलॉन आर को ही हम लोगों ने के बोला, और के आपका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये आपका किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन डॉट के। तो दैट इज़ योर रिलेटिव परमिबिटी, जिसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है। चलो डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी डेफिनेशन, द रिलेटिव परमिबिटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन परमिबिटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिबिटी एंड द परमिबिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये रहा आपका फॉर्मूला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये रहा एप्सिलॉन आर और के, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिबिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो, कूलम्स ने कहा कि अगर हम लोगों ने दो चार्ज रखा हुआ है, एक बार देखना, एज्यूम करो ये मेरा Q1 चार्ज है, एज्यूम करो ये मेरा Q2 चार्ज है। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ठीक उतना ही फोर्स Q2 भी तो Q1 पर लगाएगा। सही कह रही हूँ मैं, गलत कह रही हूँ, सही है ना। अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, रिपल कर रही हैं, दो चार्जेस एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे, पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, करेक्ट है ना। यही बात, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है F, हाँ बेटे मैं गिरी हूँ कि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी ना। देखो, अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्शन चेक करनी बताई थी ना, कि Q1 को स्टेशनरी कर दो तो Q2 अट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी तरफ आ जाएगा। अब Q2 को स्टेशनरी कर दो, Q1 अट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी तरफ आ जाएगा। तो देखो, कूलम्स ने कहा था कि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से अगर कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, तो वो एक दूसरे को इक्वल बट अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। अब अपोजिट फोर्स तो ये भी है ना, F1 मान लो, और ये इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज़ F। मैंने दोनों फोर्स बराबर लिखे, पर मैंने दोनों की डायरेक्शन उल्टी भी बना दी, तो क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। सही कह रही हूँ ना मैं? क्या ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएंगे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे। देखिए, ये इसका पॉइंट है सेंटर, ये इसका सेंटर है, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हमारे फोर्स लगते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका फोर्स ऐसे लगेगा, और इस पर फोर्स आपका ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बना देती हूँ, तो मेरा जो फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा, लेकिन जो भी फोर्स होगा वो इन दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बनेगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था
कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पूरी नहीं थी। अब हो गई कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पूरी कि दो चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वैक्यूम के अंदर, चार्ज कौन से, पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज, ठीक है ना। तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। और उन पर लगने वाली की फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब पढ़ते हैं हम लोग वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वैक्टर फॉर्म के लिए देखते हैं। चलो ये अज्यूम करो मेरे पास Q1 चार्ज है, ये मेरे पास Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड एंड दैट इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन, क्लियर है ना। वेक्टर फॉर्म है ना फोर्स, क्यों है वेक्टर, क्योंकि इसमें फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे लिखना है F12 वेक्टर फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा, 1/4πε0, हम अभी वैक्यूम और एयर की बात कर रहे हैं, कितना होगा Q1 Q2 / R12, ठीक है ना। R12 डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब डायरेक्शन भी देनी है, तो डायरेक्शन हम लोग कहाँ से देते हैं, यूनिट वेक्टर से। याद है ना आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ा है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और उसमें डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या ले लिया, R12 कैप। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये मेरे पास कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / R21 का स्क्वायर, एंड आपके डायरेक्शन के लिए मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों को याद है ना यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से अब मैं इन दोनों के ऊपर क्या करती हूँ, वैल्यूज भी पुट करती हूँ और साथ में आप लोगों को कुछ नई टर्म्स भी बताती हूँ। देखो अभी मैंने लिखा कि मेरा जो है 1/2 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, 1/4πε0, ठीक है ना, Q1 Q2 / R12 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोगों को याद नहीं यहाँ पे मैंने कैप लिखा था, तो उसकी वैल्यू क्या ऐसे होती है, R12 वेक्टर / R12, यही था ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। क्या होता था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद है, अगर हम लोग A कैप निकाल देते तो इसका फॉर्मूला होता था A वेक्टर / mod A, ठीक है ना। तो अब मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 / R12 cube R12 वेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया आपका यूनिट फॉर्म, ठीक। अगर ऐसे ही मुझे F21 वेक्टर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / R21, ठीक है बच्चों। ये हो गया आप लोगों का व्हाट, वेक्टर फॉर्म। अब आप लोग देखिए ज़रा, मैं बाबा बोल रही हूँ वेक्टर फॉर्म की बात बोल रही हूँ ना। वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। मैं आप लोगों से इसी चीज़ में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछती हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये मेरा ए वेक्टर है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और इसके अंदर डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, सही कह रही हूँ ना मैं। अगर मैंने यहाँ पे ये वेक्टर लिख के दिया तो उसका एक ही मतलब है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अगर मैं इधर खाली मोड ए लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। अब देखो ज़रा, मैं कह रही हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू वन, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, है क्या ये दोनों इक्वल, नहीं। ये इक्वेशन मैंने बिल्कुल गलत लिखी है, मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर फॉर्म कहती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, पर अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने कहा था Q1 Q2 इधर लगेगा F12, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और इधर लगेगा 2-1, अगर ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 नेगेटिव है,
तो इधर लगेगा F12 और इधर लगेगा F21, सही है ना। मैं कह रही हूँ फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ, पर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट थी, इसलिए मैंने इस पर क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है ना। एक और चीज़ देखते हैं यहीं पर। हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल हैं? यस, ये दोनों 100% इक्वल हैं, क्योंकि मोड लगाया है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। अब एक और बात देखो, जो Q1 चार्ज है ना, उस पर मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये हमारा फोर्स हो गया 1, 2, ठीक है। एज्यूम करो ये मेरा नेगेटिव है और ये फोर्स हो गया आपका F21, तो क्या इक्वल फोर्स है? बिल्कुल है। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों ऑपोजिट दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं? बिल्कुल। ये वाला फोर्स इस पर लग रहा है, ये वाला फोर्स इस पर लग रहा है। दोबारा से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ दो फोर्स एप्लीकेबल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दोनों दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। क्या ये तीनों चीज़ें कुछ सुनी हुई लग रही हैं? बिल्कुल। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता था एक्शन रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था अगर मैं किसी बॉडी पर एक्शन डालती हूँ तो वही बॉडी मुझ पर भी रिएक्शन डालेगी, सेम उसी फोर्स से, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओपोजिट। तो एक्शन रिएक्शन में दो फोर्स हैं, एक एक्शन फोर्स है, एक रिएक्शन फोर्स है, दोनों बराबर हैं, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो रिएक्शन मुझ पर ऐसे आएगा, और दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, एक्शन सामने वाली बॉडी पे लग रहा है, रिएक्शन मुझ पे लग रहा है। यहाँ भी तो यही काम हो रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है 1 चार्ज पर ड्यू टू सेकंड, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 2 ड्यू टू 1, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दोनों दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। दैट मीन्स आपका कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये हो गई हमारी यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बच्चों, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए, हाँ अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर, जो हम लोगों के दोनों फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी है, ठीक, साथ में उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं, इसलिए कूलम्स फोर्स ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ को, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मेरा Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे पर ओपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि क्या ये सही बात है, तो आप लोगों ने कहा नहीं मैम, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ओपोजिट तो है पर फोर्स की डायरेक्शन तो गलत है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, तो आपका फोर्स ये तो हो ही नहीं सकता, आपका फोर्स ये होगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा जो कूलम फोर्स है वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लगता है, और जब फोर्स हमारा दो बॉडीज के सेंटर पर सेंटर की लाइन को ज्वाइन करते हुए लगता है तो उन्हें हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो आपका जो कूलम्स लॉ है ना वो आपका सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बच्चों एक और चीज देखो, ध्यान से सुनो इस बात को भी। मानो ये मेरे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक और चार्ज है, ये -3 माइक्रो कूलम है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? लगेगा। आप लोग उसका फोर्स भी कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है, आप लोगों ने मुझे फोर्स कैलकुलेट करके बता दिया। अब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और चार्ज ले आई, ये मेरे पास Q1 चार्ज है, ये मेरे पास Q2 चार्ज है, और ये मेरे पास Q3 चार्ज है। एज्यूम करो कि ये भी मान लो ये -6 माइक्रो कूलम है, तो क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा?
बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, पर क्या इसके आने से इन दोनों के बीच का फोर्स बदल जाएगा? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पहले मेरे पास सिर्फ ये दोनों चार्ज थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। एज्यूम कर लो ऐसे ही कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है? तो आप लोग मुझे फोर्स कैसे निकाल के दोगे? ऐसे लिखो एफ इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू मैं सीधा पुट करती हूँ 9.0 × 10⁻¹। ये 2 माइक्रो कूलम है तो 2 × 10⁻¹⁶, ये हो जाएगा 3 × 10⁻¹⁶ और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना? मैं कह रही हूँ मैंने यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया Q3, जिसकी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली -6 माइक्रो कूलम। तो हमने कहा बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, पर मैं ये कह रही हूँ क्या इसके आने पे इन दोनों के बीच का फोर्स बदल जाएगा? क्या F1, इस दोनों के बीच के फोर्स को F1 अज्यूम कर लो, इन दोनों के बीच के फोर्स को F2 अज्यूम कर लो, तो क्या इस चार्ज के आने की वजह से F1 बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसके आने से इस पर टोटल चार्ज बदल जाएगा, सॉरी टोटल फोर्स बदल जाएगा। अब इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो इसके और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके आने से सिर्फ F1 में कोई चेंज हुआ, तो सिर्फ F1 में चेंज नहीं हुआ, इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स पहले लग रहा था अब भी वही फोर्स लगेगा। पर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस पर जो टोटल फोर्स है क्या वो चेंज होगा? वो 100% चेंज हो जाएगा। अब वो क्या होगा? इन दोनों का F1 फोर्स, इन दोनों का F2 फोर्स और उन दोनों का वेक्टर सम। तो जो टोटल फोर्स आएगा वो इन दोनों के वेक्टर सम की वजह से आएगा। पर अगर मैं बोलूं क्या इसके आने से इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई इफेक्ट पड़ा, तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ आए ना मेरी बात को? तो यही है हमारा थर्ड पॉइंट, जो हमारा कूलम फोर्स होता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता। हाँ, टोटल चार्ज जरूर चेंज हो जाएगा, पर उन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गई हमारे कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ के बीच में आपको कौन कौन से कांस्टेंट यूज़ किए और कूलम्स लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। कूलम्स लॉ आपका न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, कूलम्स लॉ हमारा कूलम फोर्स जो हमारा है वो सेंट्रल फोर्स है, और तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स है वो तीसरे चार्ज की वजह से चेंज नहीं होता, ठीक है? अब एक बार कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं आपको लिमिटेशन स्टार्टिंग से बता रही हूँ, और एक बार पढ़ भी लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारा लिमिटेशंस है बच्चों क्या, जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पे रहना चाहिए, जो आपका चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि कूलम्स लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट चार्ज होगा, और दूसरा आपका चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए, और तीसरा उन दोनों चार्ज के बीच में न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना? अगर दोनों चार्ज के बीच में न्यूक्लियर साइज से कम डिस्टेंस है तब हमारा कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज मूवेबल हैं, ठीक है, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके चार्जेस पॉइंट नहीं हैं तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हो गई हमारे कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी आपका थ्योरी था, जो भी पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम करेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर, और इससे रिलेटेड जितने भी लॉजिक क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना। आई होप मैंने जो भी टीच किया है वो आपको सभी समझ आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आज जो भी मैंने टीच किया है इससे रिलेटेड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना। थैंक यू।